न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ हिना। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के देवरान गांव में जिस ढंग से दबंगों ने पहले गोली मारकर फिर पत्थर पटक कर घमंडी अहिरवार, राजकुमारी अहिरवार और मानक लाल अहिरवार की हत्या की है, इसके दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने वालों ने मांग की है कि जिस तरह से आतताइयों ने सारी हदें पार कर दी है, जिन्हें तत्काल फांसी देने की सख्त जरूरत है एवं पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा एवं शहर के बीचों बीच आवास सहित परिवार के 1 सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। इतना ही नहीं, ज्ञापन सौंपने वालों ने मांग की है कि कुछ महीनों पहले सिवनी जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में भी 2 आदिवासियों की इसी तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार से बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश सरकार से विश्वास उठ गया है। प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते BSP ने राष्ट्रपति और राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई है। आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई रीवा ये दमोह में जो है देहात गांव में जो है तो घटना घटी है, जिसमें फायरिंग से जो है दलित समाज के लोगों को फायरिंग से भूत दिया गया। इसके बाद जब गोलियों से भी जो कुछ लोग तड़पते रहे नहीं मरे, तो वहां पर पत्थर पटक पटक के उनको जो है सिर पर और उनको वहीं पे ख़त्म कर दिया गया और कई लोग घायल हैं। अभी तक जो है तो आरोपी जो है तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की यह मांग है, ये रीवा जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार पूरे देश में जो है तो आज ज्ञापन का कार्यक्रम ये करके और जो तो प्रदर्शन किया गया कि जिससे जो है तो पीड़ितों को न्याय मिले और उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिले, कृषि योग्य भूमि मिले और जो वहाँ उनके घर में जो बचे हैं उनको जो है तो एक किसी घर में एक व्यक्ति को जो है तो नौकरी, सरकारी नौकरी देने का कष्ट करेंगे। और इसमें अगर खासतौर से आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके और फांसी नहीं दी गई, गिरफ्तारी करके जो जमानत वाला ये सिस्टम है इनको दे दिया जाए तो आरोपियों का हौसला बुलंद होता है। इसलिए इस बार जो है तो BJP सरकार को इस बार जो है तो कड़ा फैसला लेकर इनको 1 महीने के अंदर अंदर जो है तो फांसी की सजा सुनवाने का काम करना पड़ेगा, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करेगी पूरे देश में, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। 3 लोग तो स्पॉट में खत्म हुए हैं फायरिंग से, 3 लोगों को गोलियां लगी और लोग जो घायल हैं उनको पत्थर पटक पटक के मारा गया और लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस तरह से जो तो आरोपियों को अभी तक छूट दी गई है। ये वहाँ के जो दबंग लोग हैं, वहाँ के लोकल वो बनवादी लोगों ने जो है तो इस तरह का जो जघन्य अपराध किया है, इससे जो है तो पूरा समाज जो है तो मनोपीड़ित है, आहत है और जो है तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार जो है तो खासतौर से ये रीवा में भी कई भी घटनाएं घटी और पूरे प्रदेश में ऐसी जो है तो बलात्कार करके हत्याएं कर दी जा रही हैं महिलाओं की। खासतौर से दलित समाज ही पीड़ित क्यों है इस BJP सरकार में, सवाल ये उठता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करेगी बहुत जल्द, अगर आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो।